हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा, ये प्रेस्टीज का इंडक्शन हीटर आया है, इसमें कुछ फॉल्ट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या इसमें फॉल्ट है। तो जैसे मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसे ऑन किया, आपको मैं दिखाऊँ, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ अभी विदाउट किसी बर्तन के, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया। सेम मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये कोई भी फीडबैक नहीं दे रहा है, जिसमें कुछ ही बटन जैसे ये और साथ में ये बटन काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। पर इसके अलावा अगर मैं किसी भी बटन को पुश कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैंने ऑन किया, किसी बटन को पुश कर रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये तीन बटन काम कर रहे हैं। तो मैं अभी से खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कीपैड का फॉल्ट है जिसके लिए हमने इस इंडक्शन को खोला हुआ है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर पीसीबी हमने विजुअली चेक की इस मल्टीमीटर की हेल्प से। अब हम इस मल्टीमीटर के हेल्प से जो पुश बटन काम नहीं कर रहा उसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखा हुआ है। जैसा आपने सुना कंटिन्यूटी के वजह, अब साथ ही स्विच के पॉइंटों पे हम मल्टीमीटर लगा रहे हैं और पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। साथ में अब हम इस पीसीबी को इंडक्शन से अलग करेंगे जिससे हम आसानी से इसको चेक कर पाएंगे और इसको रिपेयर कर पाएंगे। पीसीबी ओपन कर रहे हैं। इस पीसीबी के साथ इसमें और पीसीबी भी रहती हैं जिनका मुझे इस इंडक्शन में कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेन पुश बटन में ही कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब पुश बटन सही काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये पीसीबी खोली। अब जैसे ये पीसीबी हमारी मेन पीसीबी है जो ऑपरेटिंग के काम आती है, इसमें ये ब्लैक ब्लैक से ये पुश बटन है, साथ में उसका रेड LED लगी हुई है इंडिकेशन के लिए। तो इसको हम मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर रहे हैं। ये पीसीबी का बैक साइड है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं स्विच के साथ जो भी स्विच सोल्डर हुए हैं उनमें हम चेक करेंगे। जैसे वन बाय वन हम इसे चेक कर रहे हैं, ये स्विच ख़राब है इसलिए इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। मल्टीमीटर डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा होगा, साथ ही इनमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। जैसे इस बटन को चेक किया, इसमें कंटिन्यूटी आई तो ये सही है, और बाकी और बटन सारे वर्क नहीं कर रहे हैं। कोई कोई किसी टाइम कर रहे हैं, किसी टाइम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इन सब बटनों को नए बटन से रिप्लेस करेंगे। सारे के सारे हमने चेक कर लिए, ये कुछ नए बटन मैं लाया हूँ मार्केट से परचेस करके। अब इन पुराने बटनों के साथ हमें नए बटन को रिप्लेस करेंगे वन बाय वन, और आपको चेक करके भी दिखाएंगे। पहले हम नए बटन को ही मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, ये बजट दे रहा है नहीं दे रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगा इसको पुश करके चेक करके। तो आइए देखते हैं।
तो फाइनली ये बटन हमारा सही है जो नए लाए। अब इसको हम एक फॉल्टी बटन के साथ रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इंडक्शन को ऑन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्विच निकाल के। ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है 25 वाट का, जिसका अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। जनरली इसे डिसोल्डर वायर या डिसोल्डरिंग पंप से भी आप निकाल सकते हैं। इसके पॉइंट नज़दीक नज़दीक हैं तो हम डायरेक्ट हीट अप करके इस बटन को हमने ये अलग कर सकते हैं, अलग कर भी दिया है। और जो इसके पीसीबी में बेयर बोर्ड में इसके लिए नए कंपोनेंट के लिए होल हैं उसको बनाया। अब आपने देखा मैंने कितनी आसानी से कंपोनेंट निकाला। अब इसकी जगह हम ये नया वाला बटन लगाएंगे। ये हमने लगा दिया, साथ में अब इसे सोल्डर करेंगे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो अभी सोल्डर हो चुका है। ये आपको अलग सा लग रहा होगा और सब ब्लैक उसके हैं, ये ब्लू आपको दिख रहा होगा जो हमने रिप्लेस किया। अब हम इसको पीसीबी को दोबारा इंडक्शन में लगा के ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे कि ये बटन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो बाकी बटन, इस बटन को पुश किया आपको दिख रहा होगा इसका इंडिकेशन भी ग्लो कर दिया और हमारा इंडक्शन वर्क करने लग गया। तो इसी प्रकार से हम बाकी खराब बटनों को रिप्लेस करेंगे वन बाय वन और फाइनली फिर आपको दिखाएंगे कि पूरा इंडक्शन कैसे काम कर रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सारे कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए जो हमें ख़राब लगे थे। अब ये उसकी सोल्डरिंग है। अब आपको हम इस पीसीबी को इंडक्शन में लगा के चेक करवाएंगे। ये हमारे सारे ख़राब स्विच हैं, ये हमारा इंडक्शन। अब हमारी ये पीसीबी तैयार हो गई। अब हम इसको इंडक्शन में लगा के चेक करेंगे और ये इसके जनरली एक रिबन केबल है, इसको हम मेन बोर्ड पे लगाते हैं और फिर हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करते ही इसमें सप्लाई फैन चलता है, ये हमने ऑन किया। उसके बाद हम पुश बटन चेक करेंगे वन बाय वन, ये भी काम कर रहा, ये भी काम कर रहा, ये भी। उसका साथ इंडिकेशन भी ग्लो कर रहा आपको दिख रहा होगा, ये टाइमर का है, किसी फंक्शन में काम करता है, ये भी काम कर रहा है। उसके बाद टाइमर वाला काम कर रहा, ये भी काम कर रहा और ये भी काम कर रहा, ये भी काम कर रहा। तो देखा दोस्तों, इसमें पुश बटन का फॉल्ट था जिनका जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, हमने सारे रिप्लेस कर दिए तो सारा इंडक्शन सही काम कर रहा। अब हम इसको असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद फिर से आपको दिखाएंगे।
तो आपने देखा हमने ये इंडक्शन, अब इसमें हम पानी गर्म करके भी आपको दिखाएंगे। हमने पूरा असेंबल कर दिया दोबारा, तो ये हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद भी आपको दिखा रहे हैं, ये ऑन कर लिया और इसके सारे बटन जो पहले काम नहीं कर रहे थे, इसमें बटनों का ही फॉल्ट था, जो काफ़ी टाइम होने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे थे, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमने सारे रिप्लेस कर दिए जो ख़राब थे। ये पानी रख लिया हमने, ऑन कर लिया, तो अब आपको पानी उबलता हुआ दिख रहा होगा। सारे फंक्शन इसमें चेक कर रहा हूँ, पानी भी गर्म होने लग गया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, इंडक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया, और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू।